There are four letters and four envelopes, and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with the correct address. मतलब अगर मैं ऐसे बात करूँ, मान लो चार लेटर्स हैं मेरे पास, लेटर वन, लेटर टू, लेटर थ्री, लेटर फोर, ऑनवलप से ऑनवलप वन, ऑनवलप टू, ऑनवलप थ्री, ऑनवलप फोर, मान लो कि ये करेक्ट एड्रेसेस हैं, तो इस तरीके से ये करेक्टली फिट होने चाहिए या फिल होने चाहिए. अब इफ़ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इन टू द ऑनवलप्स, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इन टू एन इनकरेक्ट ऑनवलप. देखो, मान लो मैं करेक्ट, एक बार अजम्पशन ले लेते हैं कि L1 के लिए E1 वॉज द करेक्ट ऑनवलप, लेटर टू के लिए E2 वॉज द करेक्ट ऑनवलप, लेटर थ्री के लिए E3 वॉज द करेक्ट ऑनवलप, एंड लेटर फोर के लिए E4 वॉज द करेक्ट ऑनवलप. क्लियर है? अब मान लो कि ये मैं लेटर टू को लेटर ऑनवलप टू पे डाल दे रहा हूँ, लेटर वन को ऑनवलप टू पे डाल रहा हूँ, तो गलत हो गया ये. लेकिन अगर ये चैनल गलत हो रहा है तो नेचुरली जो लेटर ऑनवलप टू में जाना था, दैट इज़ लेटर नंबर टू, वो भी तो कहीं और अब जाएगा, लेट्स से लेटर वन. तो अगर एक डिस्टर्ब्ड हो रहा है, इसके साथ साथ नेचुरली एक और डिस्टर्ब्ड हो ही जाएगा. इसका मतलब ये, इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इन टू द इनकरेक्ट ऑनवलप. ये गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. मतलब अगर एक गलत हो रहा है, एक अरेंजमेंट गलत हो रहा है, तो इस वो एक पेयर को गलत कर देगा पूरी तरीके से. आई होप कि आप समझ पा रहे हो. तो ये स्टेटमेंट बोलना गलत है. तो वन ओनली तो आंसर नहीं है मेरा. अब देखते हैं, देर आर ओनली सिक्स वेज इन विच ओनली टू लेटर्स कैन गो इन टू द करेक्ट ऑनवलप्स. अब देखते हैं इस कंडीशन को क्या बनता है. L1, L2, L3, L4. देखो, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं. मैं अभी ना एक लॉजिकल अप्रोच से आपको इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ. क्लियर है? चलो, क्या बोला, देर आर ओनली सिक्स वेज इन विच ओनली टू लेटर्स कैन गो इन टू द करेक्ट ऑनवलप्स. लेट्स से लेटर वन ऑनवलप वन पे गया, लेटर टू ऑनवलप टू पे गया, और ये दोनों गलत चले गए. ठीक है, अब नेक्स्ट अरेंजमेंट L1 के साथ और क्या बन सकता है? ये तो एक बन गया. दूसरा ये भी तो हो सकता है कि L1 E1 पे जाए और L3 E3 पे जाए और L2 E4, L4 E2. नेक्स्ट L1 E1 में ही जाएगा और L4 E4 पे जाएगा और ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे. तो अगर मैं बात करूँ L1 से, अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो L1 और L2 का एक पेयर बन सकता है, फिर जब ये करेक्ट हो रहे हैं बेसिकली. फिर L1 के साथ L3 का एक पेयर बन सकता है और L1 के साथ L4 का एक पेयर बन सकता है कि ये लोग करेक्ट हो रहे हैं, बाकी दोनों गलत हो रहे हैं. नेक्स्ट, अगर मैं इसी सीक्वेंस को L2 के साथ स्टार्ट करूँ, तो L2 L1 वाला ऑलरेडी हो चुका है, तो इसे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब L2 और L3 सही हो सकते हैं, बाकी L1 E4 पे चला जाएगा और L4 E1 पे चला जाएगा. L2 E2, L3 E3, ये लिखा हमने. एक और क्या बन सकता है L2 के साथ? L2 के साथ L4 भी करेक्ट हो सकता है. इस केस में क्या हो रहा है, L2 E2 पे जा रहा है, L4 E4 पे जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन ये दोनों उल्टे पुल्टे चले जा रहे हैं. ये एक तरीका है. नेक्स्ट, L3 और L4 करेक्ट जा सकते हैं और बाकी ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. इतने ही बनेंगे ना. अगर आप कुछ भी और सोच रहे हो, लेट्स से L3 और L2, तो ये ऑलरेडी हमने लिख लिया है. या L4 एंड L3, ये ऑलरेडी लिख लिया है. L4 एंड L1, ये ऑलरेडी हमने लिख लिया है. तो सिर्फ 6 ऐसे केसेस बनेंगे जहाँ पे ओनली टू लेटर्स कैन गो इन टू द करेक्ट ऑनवलप्स, और ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो ओनली टू इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. That is how we solve these type of questions. I hope this helps. Take care. Bye-bye. See you all in the next video.